हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा। आलू पराठा एक पॉपुलर रेसिपी है, इसे खाना हर कोई पसंद करता है। चलिए मज़ेदार रेसिपी तैयार करते हैं। आलू के पराठों के लिए हमें चाहिए एक कटोरी गेहूं का आटा, दो आलू उबले हुए छिले हुए, चार टेबलस्पून बारीक कटा हरा धनिया, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, मक्खन परोसने के लिए चार टेबलस्पून तेल, नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन आधा टीस्पून, हींग एक पिंच। सबसे पहले आलू के पराठे बनाने के लिए उसके डो को तैयार करते हैं। एक बर्तन में आटा और थोड़ा नमक और थोड़ा तेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तेल इधर ऑप्शनल है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बढ़िया मुलायम आटा लगा लें। आटा तैयार है। आटे को 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। स्टफिंग के लिए एक बर्तन में आलुओं को मैश कर लें। फिर सारे मसाले और हरा धनिया, हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब तैयार आटे की एक लोई लें और उसमें सूखा आटा लगाकर लोई को थोड़ा बेल लें। फिर उसमें आलू की थोड़ी स्टफिंग रखें। फिर बेले हुए आटे को चारों ओर से उठाकर बंद करें, किनारों को सील करें और फिर से इसे गोल आकार में बेल लें। इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। एक तवे को गर्म करें। तवे के गर्म होते ही इस पर पराठा डाल दें। और सिकने दें। जब एक तरफ से सिक जाए तब इसे पलटें और आंच को कम करें। इसके किनारे के आसपास चमचे से घी या तेल लगाएं और कुछ देर सिकने दें। इसे फिर से पलटें और उसके किनारे के आसपास तेल या घी लगाएं। इसे पलटे से दबाएं और धीमी आंच पर सेकें। पराठे को दोनों तरफ सुनहरे रंग का होने तक सेकें।
एक प्लेट में निकालें और उसके ऊपर मक्खन लगाएं। इसी तरह बाकी बचे आलू के परांठे तैयार करें। इसे दही के साथ या अचार या किसी चटनी के साथ सर्व करें। देखिए अंदर से कितने अच्छे से स्टफिंग भरी हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।